हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एनालाइज़ करके दिखा रहा हूँ आरआरबी पीओ का जो आज एग्ज़ाम हुआ है ऑफिसर स्केल वन का। तो मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आंकड़े आए हैं। तो जो सेक्शन वाइज उसको डिवाइड करते हैं तो रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड, टोटल 40 क्वेश्चन थे, यानी कि 80 क्वेश्चन 45 मिनट्स का आपको टाइम दिया गया है इसमें, ठीक है। तो कुल मिला के अगर इस पेपर में आप 23 to 27 अटैम्प्ट करते हैं तो वो एक अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा रीजनिंग में। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो वहाँ पर 19 से 24 अटैम्प्ट आप करते हैं तो वो एक अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। यानी कि अगर 57 to 62 अटैम्प्ट करते हैं तो एक अच्छा स्कोर या अच्छा अटैम्प्ट माना जा रहा है, ठीक। तो ये था रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का अटैम्प्ट वाइज एनालिसिस कि कितना अटैम्प्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक, मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के अकॉर्डिंग। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो पेपर हुआ है वो है इजी मॉडरेट लेवल का पेपर था, ठीक है, ना तो पूरी तरह से इजी कह सकते ना ही टफ, यानी कि इजी मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है। द लेवल ऑफ दिस सेक्शन वॉज इजी मॉडरेट, ठीक। देर वॉज अ टोटल ऑफ 3 सेट्स ऑफ TI आउट ऑफ विच वन वॉज कैलकुलेटिव, ठीक। तो इसमें 3 सेट आए हैं TI के लिए और इसमें एक है टेबुलर जो कि कैलकुलेटिव था, पाई चार्ट इजी मॉडरेट था और लाइन ग्राफ आया है। तो तीन ये क्वेश्चन हो जाते हैं सेट, 3 सेट आ जाते हैं TI से। अब ये 5-5 नंबर के भी हो सकते हैं, ठीक है, और 6-6 नंबर के भी हो सकते हैं। ये पर्टिकुलर ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में, मतलब इसी में ही आगे बताऊंगा कि कितने कितने मार्क्स का ये रहा है। तो ये था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो TI पोर्शन आया है। अब अगर टॉपिक वाइज इसको डिवाइड करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर की आई है और वो भी इजी मॉडरेट लेवल की, ठीक। डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि मैंने अभी बताया था आपको, डाटा इंटरप्रिटेशन से 3 सेट्स आए हैं तो 15 क्वेश्चन आए हैं, तो 5-5 नंबर के, ठीक है, ये 3 सेट हो जाते हैं और वो मॉडरेट लेवल का रहा है। नंबर सीरीज मिसिंग वाले क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन आए हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन हैं। अप्रोक्सीमेशन से 5 क्वेश्चन आए हैं जो स्टार्टिंग में होते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन हैं वो भी। मिक्सचर एंड एलिगेशन से 1 क्वेश्चन आया है मॉडरेट लेवल का। प्रॉब्लम ऑन एजेस 1 क्वेश्चन है, ये भी मॉडरेट लेवल का है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन हो जाता है इजी लेवल का। परसेंटेज से 1 क्वेश्चन है इजी लेवल का। प्रॉब्लम ट्रेन्स रेलगाड़ी संबंधी क्वेश्चन है इजी लेवल का है। मिसलेनियस में आ जाते हैं SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एवरेज रेशियो ETC। तो 5 क्वेश्चन ये हो जाते हैं हमारे मॉडरेट लेवल के। तो इस तरह से 40 क्वेश्चन और पेपर का जो स्टैंडर्ड बनता है वो इजी मॉडरेट बन जाता है, ठीक। तो ओवरऑल अब आप देख सकते हैं कि देखिए, अगर डाटा इंटरप्रिटेशन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, अगर आगे आने वाले पेपर्स के बारे में बता रहा हूँ, अगर डाटा इंटरप्रिटेशन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं 15 नंबर आप यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज़ पे अच्छा कमांड कीजिए। अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेटिव होता है थोड़ा सा, ठीक, और मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉब्लम, स्पीड एंड टाइम, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आता है और बिल्कुल ईजी लेवल का क्वेश्चन आया है जैसा कि पता चल रहा है। तो 40 क्वेश्चन, ये 40 क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया क्वाड, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं रीजनिंग में, देख लेते हैं रीजनिंग में किस तरह के पार्ट वाइज टॉपिक वाइज क्या क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी में, जो पेपर का स्टैंडर्ड रहा वो भी इजी मॉडरेट रहा है यहाँ भी, ठीक है। और देर वर 4 सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स, मतलब 4 सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हुआ मंथ रिलेटेड हो जाता है, 2 वेरिएबल, ठीक है, लाइनर नॉर्थ साउथ, ठीक है, वो बने वेरिएबल हो गया, सर्कुलर वेस्ट हो गया एक, और बॉक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। तो ये था पजल से और सेटिंग अरेंजमेंट का एनालिसिस, ठीक है। आगे हम टॉपिक वाइज देखेंगे कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं और किस लेवल का है, इजी है, मॉडरेट है, इजी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहा। तो टॉपिक की बात करें तो इनइक्वलिटी से 5 क्वेश्चन आए हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से 20 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है और वो भी इजी मॉडरेट लेवल ही है। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग ओल्ड पैटर्न, जैसे कि पहले पैटर्न पे आता था कोडिंग डिकोडिंग, उसी पैटर्न पे आया है, 5 क्वेश्चन है,
इसी लेवल का, वो बता दूंगा कौन से पैटर्न पर ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और फिर है अल्फाबेटिकल, एक क्वेश्चन आ जाता है इजी लेवल का। सिलोजिज्म आ जाते हैं 5 क्वेश्चन, ये भी इजी लेवल का है। नंबर अरेंजमेंट है 2 क्वेश्चन, ये भी इजी मॉडरेट है। मिसलेनियस 2 क्वेश्चन हो जाते हैं इजी मॉडरेट। तो 40 क्वेश्चन का ये एनालिसिस हो जाता है इजी मॉडरेट। तो टॉपिक वाइज हमने इसको डिवाइड किया, तो अब आप खुद देख सकते हैं कि किस पे पोर्शन पर आपको ज़्यादा अच्छी कमांड होनी चाहिए जो आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, देखिए ये एक ऐसा पोर्शन है जो अगर आपका एक बार हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि आप 5 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं एक पजल से, तो 5 के 5 आप सही कर पाएंगे। ये सेटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 के 5 सही हो पाएंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो अगर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की जाए तो ये निश्चित रूप से इस पर आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। इनिक्वलिटी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सिलोजिज्म इस पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और बाकी एक एक दो दो नंबर तो आपको मिलते ही रहेंगे। तो इस तरीके से 40 नंबर का हम एनालाइज करते हैं, और 40 का हमने क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड को किया, तो यहाँ पर हमें टोटल जो मिलता है वो आउट ऑफ 80 57 to 62 का एक अच्छा अटैम्प्ट मिलता है। अगर कोई बच्चा इतना अटैम्प्ट कर गया है और एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट कर गया है तो निश्चित रूप से वो इस प्री एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पेपर जो हमारा आज 9 तारीख में मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है, उसका एनालिसिस। ऐसे ही मैं आगे भी आपको डे वाइज एनालिसिस बताता रहूँगा, उसी के बेस पे आप अपनी तैयारी को करते रहें, ठीक है गाइस। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको इसी तरह का एनालिसिस मिलते रहें, आपको बैंक से रिलेटेड IBPS PO या RRB से रिलेटेड प्रिपरेशन में आपको इसी तरह की टिप्स मैं प्रोवाइड कराता रहूँ, एनालिसिस पर प्रोवाइड कराता रहूँ पेपर से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।